है दस्त पिब लानु Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa'uzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh उम्मीद है और मेरी दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा ही अल्लाह ताला के रहमत के सय के नीचे होंगे आमीन अल्लाहुम्मा आमीन आज इस प्रोग्राम में जो तरबिया प्रोग्राम जो ऑनलाइन होते हैं जो जमात मलेशिया ने शुरू किया है तो उम्मीद है कि इस प्रोग्राम में आप सब भरपूर इस्तः लें और इन इस प्रोग्राम में हम जो भी आ, मसला जो तरबियत के साथ जो ताल्लुक़ है वो इन साथ शेयर करेंगे और आज के जो ान हैं जो मैंने चुना वो है नमाज के बारे में जैसे हम सब को मालूम है कि अल्लाह सुबाह नुर्न मस्जिद में इरशात फरमायाजरियात में wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to isme allah taala ne ye zikr kiya ke allah taala ne jins wa ins ko paida nahi kiya magar meri ibadat ke gharz ke liye paida kia hai yani allah taala ke ibadat ke liye ham sab ko allah taala ne paida kia तो ये ही हमारी ज़िम्मेदारी है अल्लाह ताला पर जिस अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआस बिन जबल से पूछा और ये नसीहत हजरत मुआस बिन जबल को दिया था कि आज़रल ने हज़रत मुआस बिन जबल से ये पूछा कि क्या आप आपको मालूम है कि अल्लाह ताला के हक़ बंदे पर क्या होते हैं मतलब अल्लाह बंदे अल्लाह ताला के के हक़ पर क्या होते हैं बंदे के ज़िम्मेदारी क्या हैं अल्लाह ताला के लिए तो हजरत मोह बिन जबल ने ये जवाब दिया किए अल्लाह के रसूल इस जवाब के इस सवाल के जवाब ये हैं कि सिर्फ़ अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल बेहतर जानते हैं तो आगे ने सजहर मुआज को ये बताया कि अल्लाह बंदे के जो ज़िम्मेदारी है अल्लाह ताला पर वो ये हैं कि अल्लाह ताला की इबादत करें और उसके साथ कोई भी शर्क ना ठहराए तो ये बिल्कुल उस आयत के मुताबिक हैं जो अल्लाह ताला ने में इरशाद फ़रमाया कि व मखलतुलजन्ना वालसा अबुद कि व तंस को पैदा नहीं किया और उस गरज़ के लिए कि अल्लाह ताला की इबादत करे तो आगे आज़ राम ने उस हदीस में जैसे पहले मैंने जिक्र किया था कि आज ने हज़रत मुआज को यही बताया कि बंदे के जो ज़िम्मेदारी है अल्लाह ताला पर वो ये है कि अल्लाह ताला की इबादत करें और उसके साथ कोई शरीक न थे तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है अल्लाह ताला की इबादत करना इबादत तो बहुत किस्म की बहुत ज़्यादा बहुत वसी मजमून है इबादत के रोज़ा भी इबादत है हज करना भी इबादत है ज़क़़ अदा करना भी इबादत है दूसरों को मदद देना वो भी इबादत है और बहुत मुख्त बहुत किस्में की हैं जैसे मैंने कहा था लेकिन सबसे आला इबादत वो क्या है वो हम जानना चाहिए सबसे आला इबादत वो ही नमाज है नमाज ही जो सबसे आला इबादत है सबसे बड़ी इबादत है जो अल्लाह ताला ने बंदे पर फर्ज की बंदे को फर्ज किया तो जैसे मैंने कहा था नमाज़ क्या होते हैं क्या नमाज सिर्फ़ हम रुको सजदा करे होके करते हैं नहीं नमाज ऐसी इबादत है जो उसके अंदर में हम ये महसूस करते हैं जब हम नमाज़ के लिए खड़े होते हैं तो हम महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला बहुत नजदीक है हमारे साथ और नमाज एक ऐसे ज़रिया है जो बंदे अल्लाह ताला के साथ बातें करते हैं जिस तरह हम हर नमाज में सूरह फ़ातहा पढ़ते हैं उसमें हम यही पढ़ते हैं कि ई कना बुद्धू या कईन के तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझसे ही हम मदद चाहते हैं तो हम अल्लाह ताला के साथ बातें करते हैं हम अल्लाह साथ इतना पास जाते हैं इतना नज़दीक होते हैं और जब हम अल्लाह इबादत करते हैं जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हम ये महसूस होना चाहिए जिस तरह हाँ सलाम ने फ़रमाया कि जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हम ये समझना चाहिए हम महसूस होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला को देख रहे हैं लेकिन अगर हम अल्लाह ताला को नहीं देख सकते तो ये समझ लो कि अल्लाह ताला हमको देख रहे हैं तो नमाज एक ऐसी इबादत है जैसे मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ी इबादत है सारे इबादत में से रोज़ा हज ज़ात दूसरों को मदद करना ये भी इबादत है लेकिन उससे सबसे बढ़ कर वो नमाज़ है और कुरान मजिद में बहुत सारे आयतें जैसे आप सबको मालूम है कि कुरान मस्जिद में एक सौ चौदह सूरतें हैं एक सौ छः सूरतों में अल्लाह ताला ने मतलब 106 आयतें में अल्लाह ताला ने नमाज के बारे में जिक्र किया जैसे हम ये पढ़ते हैं सुरा अलबकारा अल्लाह ताला, ताला ने यही फरमाया अल्लाजी ना मिनु ना बिलगैब व युकी मुना सौलत व मिम्मा रोजक ना उस आयत में भी अल्लाह ताला ने यह जिक्र किया कि वयुकी मुना सौलत उससे पहले जो आयत है उससे पहले अल्लाह ताला ने कुरान मजिद के बारे में ज़िक्र किया कि जालिकल किताब ला राइबा मुताकिन के ये क़ुरान उसमें कोई शक नहीं और हिदायत है मताकियों के लिए और मुताकी कौन है आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि अजीन मीनू नबिल गए के जो जो लोग गैपीम लाते हैं व यकी मुनसोलात और नमाज को क़ायम करते हैं वाम मार रज़क़ ना हम और वो जो हम उसको देते हैं रज़क के तौर पर उसमें से वो ख़र्च करते हैं तो ये बताते हैं कि जब हम अल्लाह तौहीद इकरार करते हैं है? कि हम अल्लाह तौहीद पर ईमान लाते हैं अल्लाह है? ताला तो ग़ैब है हम नहीं दे सकते तो अल्लाजी निनू न बिल ग़ैब हम ईमान लाते कि अल्लाह ताला है मौजूद ग़ैब पर ईमान लाते हैं उसके बाद हम नमाज पढ़ते हैं और उस नमाज में हम ये इकरार को ज़ाहिर करते हैं कि हम सिर्फ़ अल्लाह ताला की ही मदद करते हैं अल्लाह ताला की तोहद को उ, 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 उसके जो इकरार हैं उसको ज़ाहिर करते हैं तो ये नमाज़ है और नमाज़ ही है जो हम इतना दुआ करते हैं जिससे शुरत फ़ाह में जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया था कि व ईया के, के तुझसे ही हम मदद चाहते हैं यहाँ मदद मांगते हैं तो अगर एक बंदे जो नमाज नहीं पाते उसका ये मतलब है कि वो कभी भी अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांगते तो इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह ताला की इबादत करें और सबसे बड़ी इबादत है वो ही नमाज और नमाज जैसे मैंने कहा था कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं हम ये महसूस होते हैं कि अल्लाह ताला बहुत करीब है हमारे साथ लेकिन कुछ लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं वो समझते हैं नमाज़ एक बोझ है उसके लिए हालांकि नमाज़ अल्लाह ताला ने हमको ये मौका देते हैं कि आओ मेरे अस्थाना में जब हम नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह घर में दाखिल होते हैं तो कुछ लोग जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ते हैं पता नहीं क्या पढ़ते हैं हज़रत मसीम साम ने भी यही हमें नसीहत दिया कि गलीबान इस तरह है उसके जो आ, सही अल्फाज मुझे चित्रा याद नहीं लेकिन उसके जो महफूम है कि तुम नमाज़ को उस तरह नहीं पढ़ना चाहिए जिस तरह मुर्गी खाना खाते हैं इतना जल्दी जल्दी करते हैं हम इतमीन के साथ नमाज पढ़ना चाहिए जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये फरमाया बिजिक्रिल्लाह ततम अलकलू के आ, सुनो कि अल्लाह ताला के ज़िक्र से हमारे कलब इतमान हासिल हो सकता है तो अगर हम नमाज़ में जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इतमान कहाँ से आएंगे इसका मतलब ये है कि वो वो जो नमाज़ जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसका ये मतलब है कि वो जल्दी जल्दी अल्लाह ताला के घर से बाहर निकलना चाहते हैं हालांकि हम उस तरह नहीं करना चाहिए बल्कि हम जब अल्लाह ताला के गार में अल्लाह ताला के अस्ताना में दाखिल होते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुज़रना चाहिए ताला, ताला, ताला के साथ हम बातें करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे साथ मज़ीद ये स्पेन करते हैं हमारे साथ तो इसलिए मैं अपने आप को और हम सब को ये कहता हूँ कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो तहमुल के साथ हम बिल्कुल ग़ौर से जो भी दुआ जो भी आयतें हम पढ़ते हैं नमाज़ में उसको ग़ौर के ग़ौर फ़िक्र के साथ वो पढ़ना चाहिए और उसके साथ साथ हम उसके जो तर्जमा हैं उसको भी याद होना चाहिए जब हम इसी तरह नमाज़ पढ़ते हैं तो हम जल्दी जल्दी नमाज़ नहीं पढ़ते तो इसलिए अल्लाह ताला ने भी यही क़ुरान मजीद में ये ज़िक्र किया शरात मिन में ये कद अफलाह मिन के वो मुमिन कामयाब होते हैं और कौन मुमिन है कौन सा मुमिन है अलजी नुम फ़ी सला ख़्शून यानी वो अपनी नमाज़ में ख़फ़ पैदा होते हैं लेकिन अगर हम जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ते हैं वो कौन सा खौफ होते हैं हमारे अंदर कोई खौफ नहीं होते हम जल्दी जल्दी भगना चाहते हैं इसलिए हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो जिस तरह पहले मैंने ज़िक्र किया था हम जब नमाज़ पढ़ते हैं हम ये महसूस होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला को देख रहे हैं और अगर हम अल्लाह ताला को नहीं देख सकता हाँ वाकई हम, हम अल्लाह को नहीं देख देख सकता लेकिन ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला हमको देख रहे हैं तो इसलिए हम जल्दी जल्दी नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि जिस तरह अलैहि वसल्लम ने हमको ये नमूना दिखाया कि आप इतनी लंबी लंबी नमाज़ पढ़ते हैं तो हम तो इतने लंबी नहीं पढ़ सकते जिस तरह वसल्लम पढ़ते हैं लेकिन हम तहमुल के साथ आहिस्ता आहिस्ता मतलब हम बिल्कुल जो हम पढ़ते हैं हम उसको ग़ौर फिक्र करें क्या हम क्या कौन से आयत पढ़ते हैं कौन से दुआ पढ़ते हैं जब हम इसी तरह नमाज़ पढ़ते हैं तो इन जिस तरह हम दुआ करते हैं वही नस्ताइन अल्लाह ताला ज़रूर हमारी दुआ को सुनें और हमारे दुआ को कबूल करेंगे Agi Allah Ta'ala ni irsyad firmaya. Surah Tuhaha me. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa akimis solat ali zikri. Ham Allah Ta'ala ko kese yad kar sakta hai? Is ayat me Allah Ta'ala ne ham ko yehi bataya. Ki yakinan me hi Allah hoon. siwa aur koi maabud nahi. Pas meri Pas meri ibadat kar. और मेरे ज़िक्र के लिए नमाज को कायम कर अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि मेरे ज़िक्र के लिए नमाज को कायम कर तो अगर हम अल्लाह ताला को याद करना चाहते हैं तो उसके रास्ता क्या है वो नमाज है नमाज के जरिया से ही हम अल्लाह ताला को याद कर सकता है और जो नमाज नहीं पढ़ते इसका ये मतलब है वो अल्लाह ताला को कभी भी याद नहीं करते आगे अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया सूरतानकबुत में इन्ना तन्हा तनहा अनिल्फ़ा वल मुंकर, यकीनन नमाज बेही और हर पसंदीदा बात से रुकती है हम तो एक इंसान हैं हमारे अंदर में बहुत कमज़ोरी है लेकिन उस कमज़ोरी को अल्लाह ताला दूर कर सकते हैं जब हम नमाज़ के लिए खड़े होते हैं इसलिए अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया कि यकीनन नमाज़ बेही और हर नापसंदीदा बात से रुकती है जब हम नमाज़ पढ़ते हैं और अच्छी तरह नमाज़ पढ़ते हैं तो हम भी हमारे अंदर में ये आहिस्ता नफरत पैदा होते हैं बुराइयाँ से नापसंदीदा बातों से नफ़रत पैदा होते हैं तो इसलिए नमाज एक ऐसी इबादत है जो जैसे पहले भी मैंने कहा था कि हम ये महसूस कर कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे बहुत ही है बहुत करीब है और नमाज के फ़ायदा बहुत ज़्यादा है उसमें से एक यही है कि हमारे अंदर में नफ़रत पैदा होते हैं बुराइयों से नापसंदीदा बातों से और उसके अलावा नमाज के ज़रिया से ही हम दिल के इत्मीनान को हासिल कर सकते हैं हमारे सईदुल सईदलमौला ने सख्तलफ़ हरीसों में ये इरशाद फरमाया मैं सिर्फ़ तर्जमा आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि हज़र मुआसबिन जबल रदी अल्लाह तु फरमाते हैं कि रसोल्ला सल्हलम ने मुझे यमन भेजा तो इर्शद फरमाया तुम ऐसे लोगों के पास जा रहे हो जो अहली किताब हैं लिहाजा सबसे पहले उनको इस बात की दावत दे देना कि अल्लाह के सिवा कोई मबूत नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ जब इस बात को मान लें तो उन्हें बताओ कि अल्लाह ताला ताला के अल्लाह ने रोजाना पांच नमाज़ें उन पर यानी हर मुसलमान पर फर्ज़ की है ये मुस्लिम ने रिवायत की है तो उसमें अल्लाह ताला ने हज़रत मस बिन जबल को यही इरशाद फरमाया कि उन लोगों को बताओ जो यमन में रहते हैं कि अल्लाह हाँ, ताला के सिवा और कोई मबूत नहीं और मोहम्मद वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं और उसकी बात जब वो तौहीद पर कायम हो तो उसको ये भी ये भी बताना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हाँ, रोज़ाना पाँच नमाज़ें उन पर यानी मुसलमान पर फ़र्ज की है इसमें भी अल्लाह ताली ने आज राम ने हज़रत मवाज़ को ये बताया कि ये तालीम उनको भी दे दे, उनको भी बता दे। नमाज़ तो नमाज एक ऐसी इबादत है जो अगर हम उसको करते हैं तो और अच्छी तरह क़ायम करें तो इनशा हम बुराइयां से बच जाएंगे श्रिक से बच जाएंगे और अल्लाह त की मोहब्बत हमारे अंदर में और बढ़ जाएंगे नमाज के आ, के जरिया से और इसी तरह आ अलैहि वसल्लम के वजूद के साथ हमारे अंदर में इतना मोहब्बत बढ़ जाएंगे इन अगर हम अच्छी तरह नमाज पढ़ें एक और हदीस अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया ये भी नमाज़ के बारे में और अलैहि वसल्लम ने आ ये बताया कि सबसे पहली इबादत सबसे पहले अमल जो अल्लाह ताला ने क़ियामत के दिन बंदे से हिसाब लेंगे वो है नमाज अगर उसकी नमाज ठीक है तो इसका ये वो कामयाब गया। अगर उसके नमाज में कोई कमी हो तो वो गथा में जाएंगे लेकिन अल्लाह ताला ने और मौका दिया अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि जाओ और पता करो मेरे बंदे में अगर उसके फ़र्ज नमाज में कोई कमी हो तो ये भी देखें अगर वो नफले पढ़े पढ़ते हैं सुनते पढ़ते हैं तो वो कमी उस नफ़ल के उस नफ़ल के पढ़ने की वजह से उस कमी को मतलब कवर कर सकता है तो ये बताना चाहते हैं कि फ़र्ज़ नमाज के अलावा हम ये भी कोशिश करना चाहिए कि नफल नमाज भी पढ़ें ताकि क्योंकि कभी कभी हम सुस्त हो जाते हैं कभी कभी हम आ, 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 काम की वजह से नमाज भी भूल जाते हैं नमाज के बाद गुज़र गुज़र गए हम भी नमाज़ नहीं पढ़ते तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में फ़र्ज नमाज के अलावा हम भी नफ़ल नमाज़ पढ़ते हैं तो ये नफ़ल उस आ, फर्ज़ नमाज की कमी को कवर कर सकता है तो इसलिए हम फर्ज नमाज के अलावा हम भी ये कोशिश करना चाहिए कि नफल नमाज भी पढ़ें ताकि जितना भी फर्ज नमाज में कोई कमी हो तो नफल नमाज़ जो हम पढ़ते हैं उसको कवर कर सकता है आगे रसोल पाक ने, ने इरशाद फरमाया कि एक मरतबा हज़रत रसोल सल्सम ने फरमाया कि बताओ अगर तुम में से किसी के दरवाज़े पर नहरे हो जिसमें वो रोज़ाना पाँच मरतबा गसल करता है तो क्या उसके बदन पर कुछ मेल बाकी रहेगी साहबा ने अरज किया ज़रा भी बाकी नहीं रहेगी तो आप सहुस ने फरमाया यही हाल पाँच नमाजों का है उनके ज़रिया अल्लाह ताला गुनाहों को मता देता है देखिए ना जैसे मैंने कहा था नमाज के जो फ़ायदा है बहुत ज़्यादा है हम बुराइयों से अपने आप को बचा सकता है हम इत्मीनान हासिल कर सकता है हम अल्लाह ताला की नज़दीक महसूस हो सकता है और हमारे गुनाहों को अल्लाह तता रहेंगे नमाज के जरिए से तो इसलिए हम नमाज में कभी गाफिल नहीं होना चाहिए हज़रत मसीम सलाम ने फरमाया नमाज़ के बारे में अपने दिलों में ख़ुदा ताला की मोहब्बत और अजमत का सिलसिला जारी रखें और उसके लिए नमाज़ से बढ़कर और कोई शय नहीं है क्योंकि रोज़े तो एक साल के बाद आते हैं और ज़क़़त साहिब माल को देनी पड़ती है मगर नमाज़ है कि हर एक हसियत के आदमी को पाँचों वक्त अदा करनी पड़ती है उसे हर गिज़ जय ना करें उसे बार बार पढ़ो और उस ख़याल से पढ़ो कि मैं ऐसी ताकत वाले के सामने करा हूँ कि अगर उसका इरादा हो तो अभी कबूल कर ले, ले उसी हालत में बल्कि उसी साथ में बल्कि उसी सेकंड में अल्लाह ताला हमारे दुआ को कबूल कर सकता है तो जैसे पहले भी मैंने कहा था अगर एक शख्स नमाज़ कभी भी नहीं पढ़ते उसका ये मतलब है कि वो कभी भी अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ नहीं करते और अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं और उस नमाज़ में हम दुआ करते हैं तदर व ख़ुफ़िया तो अल्लाह ताला अल्लाह ताला तक़तवर है और अल्लाह ताला उसी वक्त भी उसी सेकंड भी हमारे दुआ को कबूल कर सकता है तो इसलिए अगर हम मुश्किल हालात में हो तो हम किसी के पास ना जाएं, अल्लाह ताला के हुजूर में गिरगरा के दुआ करें इन अल्लाह ताला अगर हम से दिल के साथ नमाज़ पढ़ें तो अल्लाह ताला हमारे दुआ को सुनें और ज़रूर कबूल करें आगे हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज़ों को बाकायदा इल्तिज़ाम के साथ पढ़ो बाज़ लोग सिर्फ़ एक ही वक्त की नमाज़ पढ़ लेते हैं वो याद रखें कि नमाज़ें माफ़ नहीं होती यहाँ तक कि पैगम्बरों तक को माफ़ नहीं हुई एक हदीस शरीफ में आया है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नई जमात आई उन्होंने नमाज़ की माफ़ी चाही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मजहब में अमल नहीं वो मज़हब कुछ नहीं हु? क्या फरमाया कि जिस मज़हब में अमल नहीं वो मज़हब कुछ नहीं अगर हमारे अंदर में कोई अमल नहीं तो हम बे मज़हब होते हैं तो इसलिए नमाज एक इबादत है जो हम पर फ़र्ज किया गया है तो इसलिए उसमें कोई गफलत नहीं दिखाना चाहिए कोई कोई सुस्तियाँ नहीं दिखाना चाहिए हमेशा ही हम कोशिश करना चाहिए कि नमाज अपना वक्त पर कायम करें जिस तरह अल्लाह ताला ने दूसरे आयत में ये फ़रमाया कि इन सोलह काना ना अलमिन किताब अम्मा के नमाज़ सोलहत मुमिनों के लिए एक मुन वक्त होते हैं तो इसलिए जब नमाज़ के वक्त हो आ गए तो नमाज़ पढ़ना चाहिए कोई भी बहाना नहीं तलाश करना चाहिए तो इसलिए ये बात अच्छी तरह करें कि नमाज एक ऐसी इबादत है अगर हम नमाज उसको अदा कर अच्छी तरह अदा करें तो हर मुश्किल अल्लाह ताला हमसे दूर करेंगे तो और दुआ करें नमाज़ में ही दुआ करना चाहिए तो जैसे आज सलाम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला बहुत ऐसी ताक़त वाले हैं जो उसी सेकंड भी उसी वक्त भी हमारे दुआ को कबूल कर सकता है अल्लाह ताला से दुआ हैं कि अल्लाह ताला हम सब को ये तोफ़ी दे कि नमाज़ करने की सलाहियत हमको हमेशा ही अता करें और ऐसी नमाज पढ़ें जो अल्लाह ताला की मदद को अल्लाह ताला की रहमत को अल्लाह ताला की मोहब्बत को जजब कर सकता है अल्लाह ताला Hamsabku ispat amalkan ini kita ufi kata fermai. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kama baruk ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.